नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की ताजा खबर। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में प्रसव के लिए लाई गई महिला को रेफर करने के बाद बच्चा मृत पैदा होने से परिजनों ने चिकित्सालय में लापरवाही के आरोप लगाते हुए किया हंगामा। परिजनों के साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने मृत बच्चे को गेट पर रख धरना देकर चिकित्सालय के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि रामनगर के सुंदरखाल गांव की रहने वाली दीपा देवी पत्नी वीरेंद्र कुमार गर्भवती थी। गर्भवती महिला रोजाना अपने चेकअप के लिए रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में लगातार चेकअप के लिए आ रही थी। शुक्रवार को वह चिकित्सालय आई तो महिला चिकित्सक ने चेकअप के बाद ऑपरेशन के लिए उसे एक सप्ताह बाद की डेट दे दी थी। घर जाने पर शाम को महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजनों द्वारा उसे तुरंत रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा महिला को आगे ले जाने को कहा गया। परिजनों द्वारा जब महिला को रामनगर के पीर मदारा में दूसरी निजी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तो महिला को नॉर्मल तरीके से बच्चा हो गया, लेकिन बच्चा मृत था। इसके बाद महिला के परिजन मृत बच्चे को लेकर चिकित्सालय पहुंचे। इसके बाद बसपा नेता हेम भट्ट भी अपने कार्यकर्ताओं संग चिकित्सालय पहुंच गए। वहां परिजनों संग चिकित्सालय के बाहर धरने पर बैठ गए। महिला के पति वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि महिला का चेकअप ठीक से नहीं हुआ, यही वजह है कि ऑपरेशन की तिथि से पहले प्रसव हुआ और बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को महिला के पति के ओर से चिकित्सालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई। इसके बाद महिला परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। उधर चिकित्सालय के CMS चंद्रा पंत ने बताया कि महिला के चेकअप से संबंधित पुराने व नए प्रपत्र मांगे गए। जांच में यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से न्यू कॉर्बेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। पर ये आज सुबह जब ये नौवा महीना था मेरी घरवाली को, लास्ट महीना चला था नौवा मतलब, तो इनने आज सुबह जब वो यहाँ उसके लिए आई थी, जांच के लिए आई थी, तो इन्होंने उसको कहा था कि मतलब 15 तारीख की डेट दी थी कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। मतलब पहले इन्होंने हमको अल्ट्रासाउंड 9 महीने का हुआ था कहा था कि 9 महीने में मतलब इसको मतलब बच्चा ऑपरेशन से ही होगा ये कहा था। तो ऑपरेशन का मैं यहाँ आज चेकअप के लिए लाया तो इन्होंने कहा कि ठीक है बच्चा को आप वो चेकअप करा। उन्होंने कहा ठीक है तो 5 दिन बाद इसका ऑपरेशन होगा। उसके बाद मैं बच्चे को घर ले गया, तो घर ले जाने के बाद बच्चों को मैं जब घर ले गया वाइफ को, तो वहाँ पर वाइफ की भी तबीयत हालत ज़्यादा ख़राब होगी, फिर मैंने उसको सीधा हॉस्पिटल लाया। 4:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि ना यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और हम इसको हमको रेफर कर दिया बाहर, तो बस बाहर दिखाओ बाहर कराओ। तो फिर मैं इसको ज़्यादा घरवाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं यहाँ से मैं काशीपुर ले जा रहा था, काशीपुर में नहीं हो पाया तो ये फिरमोदारा में ही मैंने ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई, तो मैं फिरमोदारा में ही करवाया मैंने वो हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल। डिलीवरी कहाँ हुई? वहाँ डिलीवरी भी वहाँ होगी। डिलीवरी क्या हुई? बच्चा खुद में खुद बाहर आ गया, जबकि उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन होगा ये होगा आधा हड़ता अंदर था, तो उन्होंने फिर वहाँ से फिर मरा हुआ बच्चा ही बाहर निकला। तो इनकी लापरवाही सर बताना चाहिए ना कि कम से कम तुम्हारे अल्ट्रासाउंड नहीं होता, अगर कोई चीज़ ऐसी होती तो कम से कम पता तो लगता कि बच्चा कैसा है क्या है कैसा करना है, कोई ना कोई तो हमको देते ना कि भाई राहत मिलता कम से कम मरीज किसी को। ये तो आज मेरे साथ कल कई भाई है ऐसे कई वो हैं उनके साथ, ये कई महीनों से यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर कई मौतें हो गई प्रसव के पीड़ा के वजह से और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। अगर हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, जब बच्चा पेट में घूम रहा है कहाँ है किस स्थिति में है अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, जब यहाँ अल्ट्रासाउंड ही नहीं है तो ये गढ़वाल और कुमाऊं का मुख्य द्वार है और इसको रेफर सेंटर बना दिया गया है और ये अच्छा खासा सरकारी हॉस्पिटल चल रहा था, आज प्राइवेटाइजेशन के बाद ये हाल है। आज बहुजन समाज पार्टी हमारी सारे यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं और हम इसका घोर विरोध करते हैं और इसकी जांच की मांग करते हैं, मुकदमा कायम करवा दें, क्योंकि ये एक गरीब महिला है और ये सुंदरखाल में रहती है, दीपा नाम इनका है, और मैं इनको न्याय दिलाने के लिए हमारे पूरी यहाँ रेवीराम जी वगैरह हमारे सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम इस हॉस्पिटल के खिलाफ यहाँ पर जो है अगर जाँच नहीं हुई न्याय हमें नहीं मिला तो कल परसों से जैसे न्याय नहीं मिलता है तो तुरंत हम धरने पर बैठेंगे अनशन में बैठेंगे।